हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप घर पर ही एक एक्सटेंशन बोर्ड कैसे बना सकते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए दो सॉकेट, जिसे हम वन वे FT यानी फ्लश टाइप स्विच बोलते हैं, जिसकी रेटिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 6 एम्पियर 240 वोल्ट। और यदि हम देखें सॉकेटों की रेटिंग तो इसमें भी लिखा हुआ है 6 एम्पियर 240 वोल्ट, जो कि मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि एक स्विच की सहायता से एक सॉकेट को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसको सर्वप्रथम सॉकेट को एक बोर्ड में लगाएंगे और एक स्विच को इसमें लगाएंगे। आप देखेंगे कि हम इस तरीके से सेट करते हैं। इसको लगाने के लिए इसमें छोटे छोटे पैंच या स्क्रू की सहायता से सर्वप्रथम हमें इनको फिक्स करना रहता है। तो चलिए हम सर्वप्रथम इन सॉकेट और स्विच को इस पर रखकर फिक्स करते हैं। चलिए अब हम इन स्विच और सॉकेटों को टाइट करेंगे। इनको हमें अच्छी तरीके से टाइट करना है, जिससे ये स्विच और सॉकेट हिले ना। और ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो स्विच है और सॉकेट है, इसमें जो लिखा हुआ है यानी इनको ऊपर रखेंगे, या जिसमें लिखा हुआ नहीं रहता है तो हमें ये अर्थिंग वाला पॉइंट ऊपर रखना है, और ये इसमें जिस सॉकेट या स्विच में लिखा नहीं रहता तो इस टाइप का चिन्ह बना रहता है, उसको हम नीचे रखेंगे। यदि आप इस स्विच को उल्टा लगा देंगे तो आपका जो बोर्ड है वह ऊपर की ओर चालू होगा। सर्वप्रथम हम एक इसका सर्किट बना लेते हैं। ये हमने एक स्विच लिया हुआ है और यह एक हमारे पास एक सॉकेट है, तो इसके कनेक्शन हमें कैसे करने हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास फेज और न्यूट्रल दो पॉइंट रहते हैं, तो हमें जो फेज है फेज को डायरेक्ट हमें स्विच पर लेके आना है। और फिर हम देखेंगे जो दूसरा वाला सिरा है सॉकेट के राइट हैंड पर हमें जोड़ना है, और जो न्यूट्रल वाला पॉइंट रहेगा उसको हम सीधा ही एक सॉकेट के जो दूसरा वाला पॉइंट बचेगा उस पर हमें ऐसा डायरेक्ट जोड़ना है। इससे हमारा एक एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो जाएगा, यानी इस स्विच की सहायता से हम इस सॉकेट को कंट्रोल कर लेंगे। आप देखेंगे कि सर्किट कैसे ओपन या क्लोज होगा। सर्वप्रथम यहाँ से हम फेज देंगे तो फेज होता हुआ स्विच के पास आएगा। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो यह फेज सॉकेट पर चला जाएगा और यहाँ पर हमें न्यूट्रल डायरेक्ट मिलेगा। जैसे ही हम इन दोनों पॉइंट पर कोई भी लैंप लगाएंगे या कोई भी लोड लगाएंगे तो ये जलने लगेगा या काम करने लगेगा। चलिए अब हम इसके कनेक्शन करके देखते हैं। चलिए देखेंगे, इसके लिए हमें दो वायर की ज़रूरत होगी। ये ब्लैक वाला वायर जो होता है वह न्यूट्रल में लगाएंगे और रेड वाला वायर हम इसको फेज पर लगाएंगे। चलिए हम फेज पर इसको कनेक्ट करते हैं। आप देखेंगे कि इसमें ये सॉकेट के दो पॉइंट हैं, इधर L लिखा हुआ है और इधर आप गौर से देखेंगे तो इधर N लिखा हुआ है, जिसका मतलब है N का मतलब है न्यूट्रल और L का मतलब है लाइन। यानी रेड वाला जो वायर है यानी फेज है हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। जब हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो ये पलटेगा तो राइट हैंड पर होगा। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो फेज वायर है हमें सॉकेट के राइट हैंड साइड पर कनेक्ट करना चाहिए। चलिए हम रेड वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। जब हम कनेक्शन करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें फिक्स वायर ही छीलना चाहिए, जिससे ये वाला वायर इधर ना टच हो और उसका इंसुलेशन को हमें इस सॉकेट के टर्मिनल पर नहीं दबाना चाहिए। अब हम कनेक्शन करके देखेंगे। इसके लिए हमें दो वायर की आवश्यकता होगी, एक ब्लैक और एक रेड। रेड वाला वायर है हम फेस के लिए यूज करेंगे और जो ब्लैक वाला वायर है उसे हम न्यूट्रल के लिए यूज करेंगे। हम सर्किट में देख रहे हैं कि फेज वाला वायर जो है स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट है, तो हम इस रेड वाले वायर को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर हम कनेक्ट करेंगे। चलिए इसको हम कनेक्ट करेंगे। इसको हमें फिक्स ही छीलना है, जिससे ये वायर आगे तक ना जाए, नहीं तो ये डायरेक्ट इसमें शॉर्ट हो सकता है। हमने इस फेज वायर को सर्किट की सहायता से स्विच में कनेक्ट कर लिया है।
अब हम देखेंगे एक जो ब्लैक वाला वायर है इसको हम न्यूट्रल के लिए कनेक्ट करेंगे। हम देखेंगे ये जो न्यूट्रल वाला वायर है यह सॉकेट के लेफ्ट हैंड यानी इस वाले सिरे पर कनेक्ट करेंगे। ये इसमें आप देख भी सकते हैं इसमें एन लिखा हुआ है यानी कि हमें यहाँ पर न्यूट्रल को कनेक्ट करना है। चलिए अब हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करते हैं। ये अब हमने सर्किट की सहायता से न्यूट्रल वाले वायर को भी सॉकेट के लेफ्ट हैंड वाले सिरे पर कनेक्ट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि जो स्विच है स्विच का दूसरा सिरा सॉकेट के राइट हैंड वाले सिरे पर हम कनेक्ट करेंगे यानी ये जो स्विच का दूसरा वाला सिरा है इसको हम ये इधर से हम देखेंगे तो ये राइट हैंड पर होगा। इस वाले सिरे को यानी कि सॉकेट के दूसरे वाले सिरे को जो स्विच के यहाँ पर आप देख रहे हैं L लिखा हुआ है जिसका मतलब है लाइन यानी कि इसको हमें लाइन से कनेक्ट करना है। लाइन या फेज एक ही बात है। चलिए अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। चलिए अब हम इसको दूसरे वाले सिरे को सॉकेट के जो जहाँ पर L लिखा हुआ है L का मतलब होता है लाइन उस पर कनेक्ट करेंगे। ये हमने एक्सटेंशन बोर्ड के कनेक्शन कर लिए हैं। अब हम सर्किट के हिसाब से चेक करेंगे। हम देख रहे हैं ये फेज वाला वायर यानी रेड वायर स्विच के निचले वाले सिरे पर कनेक्ट है तो हम देखेंगे ये जो स्विच है इसके नीचे वाले टर्मिनल पर रेड वाला यानी फेज वायर कनेक्ट है हम देख रहे हैं। और फिर हम देखेंगे जो ब्लैक वाला वायर यानी न्यूट्रल है तो वह स्विच के लेफ्ट हैंड साइड पर कनेक्ट है यानी कि ये जो ब्लैक वाला वायर जो न्यूट्रल का वायर है वह सॉकेट के लेफ्ट हैंड पर कनेक्ट है। ये हम देखेंगे कि ये सॉकेट के लेफ्ट हैंड पर कनेक्ट है ये इधर लेफ्ट है इधर राइट है ये सही है। और फिर हम देखेंगे जो स्विच का दूसरा वाला टर्मिनल है उससे एक वायर सॉकेट के दूसरे वाले वायर से सॉरी टर्मिनल से कनेक्टेड है यानी कि ये सर्किट के हिसाब से कनेक्शन सही है। अब हम इस बोर्ड को इस पर फिट कर लेंगे। ये अब हम इसको सेट कर लिया है। अब हम इस पर स्क्रू की सहायता से इसको टाइट कर देंगे। ये अब हमने बोर्ड को सेट कर दिया है। अब हम इसको सप्लाई देंगे और एक टेस्ट लैंप या टेस्टर की सहायता से इसको हम चेक करेंगे। चलिए इसको अब हम सप्लाई दे रहे हैं। चलिए अब हम इसको सप्लाई देकर चेक करेंगे। ये हमने ऑन किया है तो लैंप ग्लो हो रहा है। ये ऑन ऑफ करने पर लैंप ऑन ऑफ हो रहा है। चलिए यानी कि ये एक्सटेंसर बोर्ड बनकर तैयार है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दो स्विच और दो सॉकेट यानी दो स्विच की सहायता से दो सॉकेट को कंट्रोल करने की वायरिंग सीखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।